नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो जैसे आप सभी जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के हर सेमेस्टर के लिए CC1 से कुछ सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और दो वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखा है तो जाके दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप तीसरा वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो हर पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया है, और आज भी हम लोग पर थर्ड के अंतर्गत हम लोग 10 क्वेश्चन का सेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन कौन सा स्थल से नृत्य मुद्रा मतलब डांस करते हुई किसी स्त्री की मूर्ति मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से मिला है, तो मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नृत्य मुद्रा भी नहीं दिया जाता है, खाली पूछता है कि कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो जौ की खेती हड़प्पा काल में होती थी, और इसका साक्ष्य भी मिला है, दाल का भी मिला है, गेहूँ का भी मिला है, सॉरी दोस्तों चावल का भी मिला है और गेहूं का भी मिला है, लेकिन दाल की खेती का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी जो हड़प्पा काल के लोग थे वो दाल की खेती नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका पूछा गया था कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आप सभी जानते हैं कि जो मगध साम्राज्य था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब उदय में आया, ठीक है। और उस टाइम जो सबसे पहले वहाँ का राजधानी बना और राजगृह बना, उसके बाद ग्रीवज बना, उसके बाद पाटलिपुत्र बना, लेकिन कौसाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं रहा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं, जो वेद वाला काल था उसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं, और वैदिक काल में जो समाज का सबसे छोटा या फिर आधारभूत निम्न इकाई था वो था कुल, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैदिक काल की आधारभूत इकाई क्या थी, कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है। तो दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा स्थापित चार व्रत महाव्रत में महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो दोस्तों जैसे पारसनाथ कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, उनके टाइम पाँच महाव्रत हुआ करते थे, ठीक है। और जब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने, उन्होंने और एक महाव्रत को जोड़ा। तो वो जो महाव्रत थे पांचवें नंबर के, वो क्या थे, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा जो बौद्ध स्थल है जो निरंजना नदी के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में स्थित है और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था अलार कलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग का 10 प्रश्नों का ये सेट कम्प्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा,
बहुत कम व्यू आ रहा है और इससे मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।